बिहार, वहां पर आज जो कुछ भी हुआ दिन भर इस चैनल ने दिखाया, बड़ा इंटरेस्टिंग है। वायनाड में राहुल गांधी कल दम दिखाएंगे, लेकिन बिहार की राजनीति में आज सिंगापुर से आई लालू की बेटी रोहिणी का सियासी शो दिखा। बिहार में लालू यादव परिवार के छठे सदस्य की राजनीति में एंट्री हो गई है। उनकी बेटी रोहिणी आचार्य ने आज से अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत कर दी है। आज जब वो जनता के बीच पहुंची तो ये देखिए जरा तस्वीरें, देखिए पहले एक बार फुल फ्रेम पे तस्वीरें दिखाई, ये तस्वीरें देखिए कि वहां पर क्या क्या हुआ, ये देखिए जरा। और ये बहुत बड़ी कहानी बयां करता है। इतना प्यार आशीर्वाद मिल रहा है, लग रहा है कि हम अपने मायके आ गए हैं। तो भूजा खाते थे इधर बचपन में। बेटी रोहिणी आचार्य एक और गांव में यहां पर पहुंची है। इस गांव में ढोल नगाड़े के साथ रोहिणी आचार्य का स्वागत, राजद के कार्यकर्ता हैं, आम लोग भी हैं यहां पर। क्या मानती है बेटी? बेटी मानती है ना तो अनंत मानते हैं। हम हैं यहाँ, हम लोग हैं ही सब। आप लोग आशीर्वाद दीजिए, हम आए पर रखम आप लोग के ख्याल। मैं बहुत खुश हूँ, इनका ट्रिप मैं चुका नहीं सकती, लेकिन मैं बढ़ने दम तक सारण की जनता, सारण की माता बहनों का सेवा करती रहूंगी। भयंकर गर्मी और इस गर्मी में लोगों का उत्साह देखते बनता है। और हाँ, हमारे रिपोर्टर ने जो वहां पर रिपोर्टिंग की, रूपेश ने, वो भी वाकई में कमाल की है। गर्मी की बात आई है तो गर्मी के बारे में हम आगे आपको कुछ बताने वाले हैं, लेकिन पहले रोहिणी आचार्य बिहार के सारण से पहली बार लोकसभा के मैदान में, लेकिन इस सीट से उनके परिवार का बहुत पुराना नाता रहा है और ये सब जानते हैं। लालू यादव की सारण से राजनीति में एंट्री हुई थी, वो 1977 में पहली बार यहीं से चुनाव जीते थे, 1989, 2004 और फिर 2009 में वो इसी सीट से सांसद रहे। लेकिन किंतु परंतु 2014 में सारण से राबड़ी देवी मैदान में उतरी और चुनाव हार गए। यहां से बीजेपी के राजीव प्रताप रूड़ी चुनाव जीते। क्या कॉम्बिनेशन है, किस कॉम्बिनेशन की वजह से जीते, हम वो आपको आगे बताने वाले। 2019 में लालू यादव के समधी चंद्रिका राय चुनाव लड़े, लेकिन बीजेपी नेता राजीव प्रताप रूड़ी ने उनको भी हरा दिया। 2024 में रोहिणी आचार्य का चार बार के सांसद राजीव प्रताप रूड़ी से मुकाबला होगा, यानी इस सीट पर रोहिणी आचार्य की टक्कर उस नेता से है जो 10 साल पहले उनकी मां राबड़ी देवी को मात दे चुके हैं। रोहिणी आचार्य पटना से सारण की जनता का आशीर्वाद लेने के लिए पहली बार निकली। निकलने से पहले पटना के आवास में मौजूद शिव और साई मंदिर में सुबह उन्होंने पूजा अर्चना की, फिर अपने पिता लालू यादव और मां राबड़ी देवी को प्रणाम कर सारण के लिए पूरे लाव लश्कर के साथ प्रस्थान किया। लालू यादव की कर्म भूमि सारण पहुंचने पर रोहिणी आचार्य का ठीक उसी तरह स्वागत हुआ जैसे कभी उनके पिता का हुआ करता था। चारों तरफ से फूलों की बारिश हो रही थी, जेसीबी से पुष्प वर्षा हो रही थी, लोग नारे लगा रहे थे। समर्थकों का भारी हुजूम उमड़ पड़ा, गाड़ी आगे नहीं बढ़ पा रही थी। रोहिणी ने बाहर निकलकर लोगों का अभिवादन किया, बच्चों को माला पहनाई, प्यार किया, गाड़ी से उतरकर महिलाओं और बुजुर्गों के पैर छुए, उनसे गले मिली और भावुक दिखी। इतना प्यार आशीर्वाद मिल रहा है, लग रहा है कि हम अपने मायके आ गए हैं, अपनी बेटी अपनी बहू बहन को लोग आशीर्वाद। भीड़ में मौजूद महिलाएं उन्हें माला पहना रही थी। जहां कभी लालू यादव के लिए सत्तू और भूजा का इंतजाम हुआ करता था, भूजा खाते थे इधर बचपन में।
आज उनकी बेटी के लिए काजू किशमिश की थाल सजाई गई। लोग उनकी झलक पाने को बेताब थे। सिंगापुर में रहने वाली रोहिणी ने ही लालू यादव के लिए अपनी एक किडनी दान दी है। आज प्रचार में भी उन्होंने इसका जिक्र किया। पिताजी को मैंने अपनी एक किडनी दी, लेकिन सारण की जनता और बिहार की जनता को के लिए मेरा जान निछावर है और मैं आजीवन इनकी सेवा करना चाहती हूँ। पेशे से डॉक्टर रोहिणी ने प्रचार की शुरुआत से एक दिन पहले कल लालू यादव, राबड़ी देवी और बहन मीसा भारती के साथ हरिहर नाथ मंदिर में विधि विधान से पूजा की थी। रोहिणी आचार्य आज से चुनावी मैदान में हैं। सारण लोकसभा सीट से वो चुनाव लड़ रही हैं और देखिए पूरे रास्ते सारण लोकसभा सीट में वो पहुंची हैं। कल ही उन्होंने बाबा हरिहरनाथ का आशीर्वाद लिया और उसके बाद से आज से बाजाबता चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत। मुझे लगता है कि सारण की जनता अपनी बेटी को भरपूर आशीर्वाद प्यार देगी। अब ये बाकी अब 4 जून के बाद पता चलेगा कि क्या होगा। रोहिणी अपनी राजनीतिक पोस्ट को लेकर भी खूब चर्चा में रहती है। चाहे भाई तेजस्वी यादव की रैलियों पर लिखना हो या फिर विरोधियों पर, किसी को वो नहीं छोड़ती। नीतीश कुमार से लेकर बीजेपी तक पर वो खुलकर हमला बोलती है। लालू यादव ने अपनी बेटी रोहिणी आचार्य को सारण सीट से ही क्यों मैदान में उतारा? इसे समझने के लिए आपको वहां का जातीय समीकरण बताते हैं और राजीव प्रताप रूढ़ी वाली बात जो हमने आपसे कही थी, क्योंकि क्यों वो वहां से जीतते हैं, अब ये देखिए बात। यहां यादव 25वीं सदी, राजपूत 23वीं सदी, वैश्य 20वीं सदी, मुस्लिम 13वीं सदी, दलित 12वीं सदी। राजनीतिक पार्टियां यहां से यादव या फिर राजपूत उम्मीदवार पर ही दांव खेलती हैं। रोहिणी आचार्य यादव समुदाय से हैं, जबकि राजीव प्रताप रूढ़ी राजपूत समुदाय से आते हैं। राजपूत और यादव बहुल सारण संसदीय क्षेत्र में निर्णायक वोट वैश्य और मुस्लिम का माना जाता है। मुस्लिम यादव समीकरण बनाकर लालू यादव ये इस सीट से 4 बार सांसद रहे, जबकि राजपूत और वैश्यों की गोलबंदी से बीजेपी के रूढ़ी ने 3 बार जीत हासिल की।